में किसकी सरकार बनेगी इसका इंतजार पूरे देश को है। यह इंतजार 23 मई को खत्म हो जाएगा जब चुनाव आयोग वोटों की गिनती करेगा और नतीजे घोषित करेगा। लेकिन मतगणना के दिन भी फाइनल नतीजों के लिए और ज्यादा इंतजार करना होगा। जयपुर शहर की विद्याधर नगर, सांगानेर और बगरू में, जयपुर ग्रामीण की आमेर और झोटवाड़ा विधानसभा में सबसे ज्यादा राउंड होने के चलते दोनों लोकसभा सीटों के रिजल्ट आने में देरी होगी। इसके साथ ही शहरी लोकसभा सीट पर दो बैलेट यूनिट होने के चलते भी मतों की गिनती में समय लगेगा। लोकसभा चुनाव की मतगणना की तिथि नजदीक आने के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी मतगणना कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ मतगणना स्थलों पर रिहर्सल भी शुरू कर दिया है। तो प्रदेश में 25 सीटों के लिए मतगणना की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश भर में 24 स्थानों की 25 जगह पर मतगणना होगी। मतगणना के लिए 2,586 टेबलें लगाई जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश भर में शांतिपूर्ण मतदान के बाद अब मतगणना के लिए निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसके लिए सभी रिटर्निंग अधिकारियों, एसडीएम और आईटी एक्सपर्ट्स को ट्रेनिंग भी दी गई है, जिससे मतगणना में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रेखा गुप्ता ने बताया कि सभी अधिकारियों को समय से आवश्यक तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। 23 तारीख को मतगणना की तैयारी पूरी हमने कर ली है। 25 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 25 स्थानों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और प्रत्येक मतगणना केंद्र में अलग अलग तरह से हॉल्स की उपलब्धता के आधार पर काउंटिंग हॉल सेटअप किए गए हैं और उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था भी हमने की है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस जगह पर कहां और कितने राउंड में मतगणना होगी। बीकानेर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी मतगणना। 120 टेबलों पर होंगे 131 राउंड में मतगणना। झुंझुनू सेठ मोतीलाल पीजी कॉलेज में होगी काउंटिंग। मतगणना के लिए लगाई गई 143 टेबल, 188 राउंड में यहां मतगणना होगी। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो राजस्थान कॉलेज में मतगणना होगी। यहां पर 122 टेबलों पर 133 राउंड में मतगणना की जाएगी। जयपुर शहर के कॉमर्स कॉलेज में 115 टेबलों पर 129 राउंड की मतगणना होगी। अलवर बाबा शोभा राम कला महाविद्यालय में 110 टेबलों पर 145 राउंड मतगणना होगी। टोंक सवाई माधोपुर की बात करें तो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक में 98 टेबलों पर 144 राउंड की मतगणना होगी। वहीं अजमेर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में 98 टेबलों पर 176 राउंड में मतगणना होगी। मतगणना के दिन 8 बजे से पहले मिलने वाले डाक पत्रों को भी मतगणना में शामिल किया जाएगा। प्रदेश भर में डाक मत पत्रों की गणना के लिए 67 टेबलें लगाई गई हैं। वहीं 106 टेबलों पर ETPBS के जरिए मिलने वाले मतपत्रों की काउंटिंग होगी। पहली बार लोकसभा चुनाव में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों से 5-5 EVM और VVPAT की पर्चियों का मिलान किया जाएगा। इसकी गणना के लिए अलग व्यवस्था की गई है। वहीं मतगणना स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा जाब्ता तैनात रहेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे। राज्य निर्वाचन विभाग ने मतगणना को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ADM, SDM और कलेक्टर की ट्रेनिंग के बाद निर्वाचन विभाग ने सभी को निर्देश दिए हैं।